वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको माइक्रोवेव के सारे फंक्शंस के बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए, मेरा जो ये माइक्रोवेव है ये सैमसंग का है, और इसके जो फर्स्ट मोड है वो आप देख सकते हैं, स्लिम फ्राई। सेकंड है रोटी नान। थर्ड है कर्ड डो प्रूफ। फोर्थ है पावर डिफ्रोस्ट, कॉम्बी, इंडियन रेसिपी, कन्वेक्शन, ग्रिल, माइक्रोवेव, टर्न टेबल ऑन ऑफ, क्लॉक एंड चाइल्ड लॉक। ये कम और ज़्यादा करने के हैं स्विच, ये सेलेक्ट करने के हैं स्टॉप, और ये 30 सेकंड से टाइमर बढ़ाने का है, ये स्टार्ट करें। तो चलिए हम माइक्रोवेव स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे स्लिम फ्राई। ये देखिए, हमने इसको सेलेक्ट किया तो आप यहाँ देख रहे हैं नंबर 1 आया। अब अगर हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो 1 2 1। अब ये मोड हमारा कहाँ है, आप ये देखिए, ये जो हमारे स्लिम फ्राई है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडियन स्लिम फ्राई। अगर हमें समोसा पॉकेट्स बनाने हैं तो 1 2 1 लगाना है हमें। अगर हमें लगाना है 1 2 2 तो इसके लिए हम नंबर जो है इससे इंक्रीज करेंगे। ये देखिए, ये 2 हो गया। ये 1 से लेकर हमारे ये 1 टाइप के सारे सब में 1 1 आ रहा है। ये है 2 टाइप के, इसमें 2 2 2 1 2 2 2, तो 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर हो गए, और 2 से लेकर ये हमारे 6 मोड हैं। 3 के हमारे जो हैं 3 मोड हैं, 4 के हमारे 3 मोड हैं। तो अभी हम सबसे पहले 1 के सारे मोड लेंगे, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। अब हमें जो है सेलेक्ट करना है 1 2 3, तो ये 3 नंबर बढ़ा देंगे। इसी तरह 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद अगर हम इसे दोबारा क्लिक करते हैं तो दोबारा से 1 वाला मोड आ जाएगा। आप इसको भी यूज़ करके बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, दोनों बटन में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हमारे ही जो स्लिम फ्राई के 10 मोड हैं, ये इस तरह से हमें सेलेक्ट करके बढ़ानी है। इसके बाद बढ़ाने के बाद हमें लगाना है टाइमर। तो फ्रेंड्स, अगर हमें 1 2 1 यानी समोसा पॉकेट के लिए अगर हमें ये मोड लगाना है तो हमने ये सेट कर लिया है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वाला मोड हमारा स्टार्ट हो गया, और इसमें टाइमर भी जो है अपने आप ऑटो यानी अपने आप ही सेट हो गया, यानी कि 15 मिनट में ये जो हमारे समोसा पॉकेट है वो तैयार हो जाएंगे। आप देख सकते हैं 1 2 1 पे ये है। अब हम इसके बाद मान लीजिए 1 2 2 भी आप इसी तरह सेलेक्ट कर लेंगे, मैंने बता दिया था 1 को सेलेक्ट करके, उसके बाद आप 1 2 3 4 5 6 इस तरह 10 तक इंक्रीज कर सकते हैं नंबर, जो 7 के नंबर है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर आपको इंक्रीज करके दिखा देती हूँ। पहले इसको स्टॉप करेंगे, अभी दोबारा से मैं करके दिखा रही हूँ। देखिए, स्लिम फ्राई मोड है, अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया तो पहले नंबर 1 ही आता है, जब हम सेलेक्ट करते हैं तो नंबर 1 का ही आएगा, लेकिन अगर आपको नंबर 2 सेलेक्ट करना है तो आप इसे नंबर इंक्रीज कर दीजिए और उसके बाद स्टार्ट कर दीजिए। तो जो सेकंड नंबर की चीज़ है उसके लिए हमारा टाइमर आया 20 मिनट का, 19.54 सेकेंड। सो आप देख सकते हैं सेकेंड नंबर पर कौन सी चीज़ बनेगी। सेकेंड नंबर पर 1 2 1 पे हमारे हैं वेज कटलेट्स, तो वेज कटलेट्स के लिए हमें जो है ये सेलेक्ट करके स्टार्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारे हो गए स्लिम फ्राई मोड के 1 टाइप के जो हैं सारे 1 2 10 जो हमें सेलेक्ट करने थे। अब इसी में मैं आपको और भी बताती हूँ, ये हमने स्टॉप कर दी। अब स्लिम फ्राई के अंदर भी ये देखिए, ये 1 था, अब हमें इसे सेलेक्ट नहीं करना है, इसके बाद हमें 2 टाइप्स की चीज़ें बनानी है। ये 1 टाइप की चीज़ें थी, आप देख सकते हैं ये सारी 1 1 आ रहा है, ये सब 1 टाइप्स की चीज़ें। अब हमें 2 टाइप्स की बनानी है, 2
टू टाइप्स में आ रहा है, पोटैटोज एंड वेजिटेबल्स। पोटैटो एंड वेजिटेबल्स में क्या क्या आ रहा है, टू टू वन में, यानी दो से लेकर एक तक में आ रहे हैं फ्रोजन ओवन चिप्स। जो फ्रिज में से चिप्स निकलते हैं उनको बनाने के लिए हमें टू टू वन यानी कि दो से लेकर एक तक का हमें जो है मोड लगाना है। अब आप यहाँ तो देख रहे हैं वन है, अब इसको आप सेलेक्ट मत कीजिए, सीधा नंबर इंक्रीज कीजिए। देखिए यहाँ टू आ गया, अब इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कोई नंबर वन आ गया और अब हम इसे टू टू वन यानी कि दो से लेकर एक तक आ गया, अब हम इसे स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब ये टू टाइप के हमें जो है फूड बनाने हैं। इसमें हमारे टू टाइप के फूड में आप देख सकते हैं पोटैटो वेजिटेबल्स फ्रोजन ओवन चिप्स। क्योंकि ये फ्रोजन है तो अब हमें इस मोड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहले ये जो हमने मोड लगाया है टू टू वन, इसको हमें पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये 300 और 350 वॉट पे जो है ये सेट हो गया। अब हम इसको स्टार्ट कर देंगे, मतलब सेलेक्ट करना, जो सेकंड टाइप के हैं उसको हमें पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। अब ये ऑटो टाइमर अपने आप लग गया 51 सेकंड का, 19 मिनट 50 सेकंड का। अब इसमें ये अपने आप ही फ्रोजन जो फूड है जो आप देख रहे थे 300-350 जो टेम्परेचर आ रहा था उस पर पहले उसको डिफ्रोस्ट करेगा, फिर उसके बाद उस फूड को वो पकाएगा। चलिए अब हम इसे स्टॉप कर देते हैं। तो ये स्लिम फ्राई में आपने सेकंड टाइप के देखे, अब हमें थर्ड टाइप के फूड देखने हैं। थर्ड टाइप के लिए वही हम पहले नंबर इंक्रीज करके स्टार्टिंग का 3 नंबर बनाएंगे। ये 3 बन गया, आप देख सकते हैं इसके अंदर आप ये सी फूड, ये सारे 3 टाइप के सबकी स्टार्टिंग में जो है आप देख सकते हैं 3 लिखा हुआ है, यानी कि ये स्लिम फ्राई में ही थर्ड टाइप के जो है फूड है। तो अब ये इसमें थर्ड टाइप के जो है कितने फूड है, 1, 2, 3 फ्रोजन प्रॉन्स हैं, फिश कटलेट्स हैं, फ्राइड स्क्विड्स हैं। तो अगर हमें मान लो फ्रोजन प्रॉन्स बनाने हैं या 3-2 हमें बनाने हैं फिश कटलेट्स, चलो हम फिश कटलेट्स का आपको बताते हैं। ये 3 हमने दबा दिया था, अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे। जब हम फर्स्ट टाइम सेलेक्ट करते हैं तो 1 नंबर ही आता है। अगर 1 नंबर की हमें चीज़ बनानी है फर्स्ट नंबर पे जो है तो हम उसको जो है सेलेक्ट करके स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अब हमें 2 नंबर की बनानी है 3 के अंदर, तो हम नंबर जो है ये करा हमने बढ़ा दिया। इसमें भी वही हम करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम इसको स्टार्ट कर देंगे। टाइमर अपने आप लग जाएगा और ये हमारा जो है सेकंड नंबर 3, बीच में आप देख रहे हैं ना हल्का सा छोटा सा माइनस का निशान लगा 2, यानी कि 3 से लेकर 2 नंबर तक, तीसरे टाइप की ये फूड है। और सेकंड नंबर का हम फिश कटलेट्स के लिए ये मोड यूज़ कर रहे हैं। तो ये वाला था 3 टाइप्स का हो गया। अब हम नेक्स्ट मोड देखते हैं, ये स्लिम फ्राई के अंदर ही। अब हम इसमें 4 मोड ही होते हैं फ्रेंड्स स्लिम फ्राई में। ये देखिए 4 नंबर आ गए ना। अब 4th टाइप्स के फूड जो हम देखेंगे इसमें स्लिम फ्राई में, ये देखिए सबके स्टार्टिंग में 4 आ रहा है, 4 4। ये 4 टाइप्स में 1 पहले नंबर का फूड, दूसरे तीसरे नंबर का फूड। तो पहले नंबर का फूड जो है फ्रोजन चिकन नगेट्स हैं, चिकन ड्रमस्टिक, चिकन विंग्स, ठीक है। अब मान लीजिए हमें चिकन विंग्स बनाने हैं, यानी कि हमारा जो निशान आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, यहाँ पर 4 और 3 आना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 तो हमने सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए सेलेक्ट कर लिया, अब 4 1 आ गया। अब हमें 3 सेलेक्ट करना है, तीसरे नंबर की चीज़ बनानी है ना हमें, तो ये 4 3 आ गया। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ये पावर सेलेक्ट हो गई और इसको स्टार्ट कर देंगे। ये टाइमर अपने आप ही लग गया और ये जो है चिकन विंग्स हमारे जो है 20 मिनट में तैयार हो जाएंगे, उसके बाद ये ऑटो स्टॉप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे हमारे स्लिम फ्राई 4 तरह के, जिसमें पहले वाले में 10 टाइप के फूड थे और दूसरे वाले में 6 फूड है और तीसरी टाइप्स वाले में 3 फूड है और 4th टाइप्स वाले में
थ्री फूड है। तो ये तो हमारे चारों हो गए स्लिम फ्राइज। अब इसके बाद आता है हमारे माइक्रोवेव में स्लिम फ्राई के बाद, आप ये देख सकते हैं लिखा हुआ है रोटी और नान, यानी कि ये वाला मोड अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो रोटी और नान दोनों ही बन जाएंगे। तो आप इसमें पहले देखिए रोटी और नान के लिए कौन सा नंबर हमें क्लिक करना है। आप इसमें देख सकते हैं लिखा होता है जो मोड इसमें दिए होते हैं ना, इसमें दिया है रोटी बनाने के लिए हमें नंबर वन पे बनाना है और नंबर टू पे हमें बनाना है नान। तो रोटी बनाने के लिए हम इसको क्लिक करेंगे, देखिए वन नंबर आ गया, इसी को हम सिलेक्ट कर लेंगे और फिर जो है सेलेक्ट करने के बाद हम इसको स्टार्ट कर देंगे। तो रोटी बनने के लिए सबसे पहले ये क्या होगा, प्री हीट होगा। प्री हीट होने के बाद ऑटोमेटिकली इसमें टाइमर लग जाएगा और जो है रोटी जो है आपकी लगातार बनने चालू हो जाएंगी एक के बाद, क्योंकि प्री हीट तो ये हो जाएगा। उसके बाद आप एक एक करके इसमें रोटियां बनाते रहें जो माइक्रोवेव सेफ तब आता है। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद मैं आपको स्टॉप करके सेकेंड मोड बताती हूँ। ये हमने स्टॉप कर दिया, अब इसके अंदर ये हमने दोबारा से क्लिक किया, वन नंबर आ गया, लेकिन अब हमें टू नंबर की चीज़ बनानी है। ये देखिए ये क्या है, नान। अब हमें नान के लिए, नान के आगे देख सकते हैं आप दो लिखा है ना, तो हमें टू नंबर ही सिलेक्ट करना है। तो वन नंबर तो स्टार्टिंग में आएगा ही आएगा, अब हमें टू करना है। तो हम जो नीचे नंबर बढ़ाने वाला है ये सेलेक्ट के साथ वाला, इसको दबाएंगे तो देखिए टू नंबर आ गया। टू नंबर दबाने के बाद अब हम माइक्रोवेव स्टार्ट कर देंगे और अपना नान जो है इसके अंदर ग्रिल रैक पर रख देंगे तवे के ऊपर। इसमें भी नान बनाने के लिए पहले ये प्री हीट होगा। फ्रेंड्स इसके बाद जो तीसरा मोड आता है ये है, आप देख सकते हैं कर्ड एंड डो प्रूफ। अगर हमें कर्ड और डो बनाना है तो वही हम इसमें नंबर वन और टू देखेंगे, सेलेक्ट करेंगे और अपना जो डो है इसके अंदर रख देंगे। आप देख सकते हैं कर्ड के लिए जो है इसमें वन टू वन, यानी कि लार्ज ग्लास बॉल, अगर हम बड़ी बॉल लेते हैं तो इसके लिए वन टू वन हमें सेलेक्ट करना है और वन टू टू यानी एक से लेकर दो नंबर तक हमें लगाना है क्ले पॉट्स में। ठीक है, ये तो कर्ड का हो गया। अगर हम मिट्टी के बर्तन में दही जमाते हैं, क्ले पॉट्स यानी मिट्टी के बर्तन में, और लार्ज ग्लास बॉल कोई भी हम बॉल ले लेते हैं, चाहे तो वो बोरोसिल है या माइक्रोवेव सेफ, उसमें बनाते हैं तो एक से लेकर एक नंबर हमें लगाना है। तो चलिए अब मैं दोनों मोड आपको लगा के बताती हूँ। ये हमने वन किया, सेलेक्ट कर लिया, वन टू वन ये आ गया हमारा लार्ज ग्लास बॉल के लिए। इसको हम जो है स्टार्ट कर देंगे, यानी कि इसका टेम्परेचर इतना कम रहेगा, बहुत हल्का, कि जो आपका जो बना रहे हैं आप कार्ड जमा रहे हैं ना, वो जो है इसमें टाइमर देख सकते 35 मिनट में ही, 35 मिनट्स में वो दही जम जाएगा। बस इसमें आप इसको चालू करके रख दीजिए। अब ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, हमारा दूध जल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। इसमें बहुत ही माइनर हल्का सा टेम्परेचर रहता है, क्योंकि कार्ड जमाने के लिए, जो हमें दही जमाने के लिए हल्का सा माइनर से हल्की गर्मी चाहिए होती है, तो वो ही इससे प्रोड्यूस होगी माइक्रोवेव से। तो फ्रेंड्स ये वाला मोड हो गया। अगर आप इसी के अंदर ये कर्ड का तो हो गया, दोनों मोड आप इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक बार और बता देती हूँ, वन का सेलेक्ट करके वन हो गया। अगर हमें टू लगाना है तो नीचे वाले से इंक्रीज करके वन टू टू यानी एक से दो तक का लगा दिया। वो देखिए अगर आप क्ले पॉट्स में यानी मिट्टी के बर्तन में दही जमाते हैं तब ये वाला आप जो है नंबर सेलेक्ट करें एक से दो तक ये वाला, और इसके अंदर मिट्टी के बर्तन में दूध को रख के आप जो है फिर ये वाला मोड लगाकर जो बटन को स्टार्ट कर देंगे। इसमें भी आपका इतना ही टाइम लगेगा दही जमने में। तो ये वाला मोड भी हो गया। अब कर्ड के साथ में एक मोड आ रहा है डो प्रूफ। डो प्रूफ यानी डो को हमें जो है जो करते हैं भटूरे नान वगैरह के लिए हम जो फुलाते हैं उसको खमीरा करते हैं, तो उसको ही हम डो प्रूफ बोलते हैं। तो डो प्रूफ करने के लिए हम कैसे सेलेक्ट करेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने माइक्रोवेव स्विच ऑफ कर दिया। अब मैं जो है
ये वाला बटन दोबारा से क्लिक करती हूँ, ये देखिए ये वन नंबर आ गया। लेकिन डो प्रूफ के लिए हमें क्या लेना है, टू। ये देखिए डो डो कितनी तरह के बन रहे हैं आप ये देखिए, इसमें वन टाइप के, टू टाइप के, थ्री टाइप के, यानी कि एक तो पिज्जा डो बन सकता है। उसके लिए हमें दो और एक नंबर सेलेक्ट करना है, यानी दो से लेकर एक। सेकंड टाइप का ये हो गया और वन नंबर पे आ गया पिज्जा डो। सेकंड नंबर पे केक डो, केक के लिए जो हमें डो तैयार करना है। तीसरे नंबर पे ब्रेड डो। तो मान लीजिए हमें कौन सा केक का डो तैयार करना है, तो यानी दो दो ये नंबर बनाना है ना हमें। सेलेक्ट हमने कर लिया वन, लेकिन अभी हमें जो है नंबर इससे इंक्रीज करके टू करना है। टू से फिर क्या करना है, सेलेक्ट पहले से करो, टू वन आ गया। अब हमें इसे इंक्रीज करके टू से टू तक कर दिया हमने, यानी कि ये वाला मोड हमारा केक के लिए तैयार सेलेक्ट हो गया, बना लिया हमने ये मोड। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, यानी कि केक बनाने के लिए जो हमारा टाइमर आया वो 50 मिनट्स का है, 49.56। तो फ्रेंड्स देख लिया आपने ये ऊपर के तीनों मोड हो गए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मैंने आपको ऊपर के तीन मोड जो है बता दिया किस तरह से हमें ये जो है यूज़ करने हैं। अब बाकी के नीचे के मोड रह गए वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, ये मैं अपनी वीडियो पार्ट वन रखूंगी। तो सेकंड पार्ट टू में आप ये इन तीनों मोड के बारे में बताऊँगी, पावर डिफ्रोस्ट, कॉम्बी, इंडियन रेसिपी। फिर उसके बाद पार्ट थ्री में मैं ये दोनों मोड, तीनों मोड डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये तीनों मोड तो मैं अलग अलग वीडियो में डालूँ, क्योंकि काफ़ी जो है मुझे टाइम हो गया बताते हुए। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।